खबरों में आगे बढ़ेंगे। अतीक के द्वारा हत्याई गई जमीनें पीड़ितों को लौटाने पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आयोग गठन पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ ने प्रयागराज सहित कई शहरों में जमीनें हत्याई थी। ऐसी जमीनों को चिन्हित करके वापस लौटाने का सरकार अब विचार कर रही है। अतीक की हत्या के बाद पीड़ित पुलिस के पास अब चक्कर लगा रही है। मामले को लेकर शासन स्तर पर बैठक हुई है। अधिकारी रूपरेखा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अतीक के द्वारा हत्याई गई जमीनों को अब पीड़ितों को लौटाने पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आयोग का गठन करने जा रही है और अतीक और अशरफ ने प्रयागराज सहित कई शहरों में जमीनें हत्याई थी। ऐसी जमीनों को चिन्हित करके वापस पीड़ितों को लौटाने का सरकार अब विचार कर रही है। अतीक की हत्या के बाद पीड़ित लोग अब पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लालचंद मेरे साथ मौजूद है। लालचंद, अब प्रयागराज में देखिए जिस तरीके से अतीक और अशरफ ने कई जमीनें अपने अंडर में की थी और अब वो जमीनें जो है पीड़ित व्यक्तियों को वापस लौटाई जा रही है, प्रदेश सरकार अब गठन करने जा रही है आयोग का। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद या उसका भाई अशरफ लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था, उस पर औने पौने दाम में खरीद लेता था, जबरन उसको हथियाता था, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसके बाद से ही देखने को मिला कि बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार अब आगे निकल के सामने आ रहे हैं, पुलिस के पास पहुंच रहे, शिकायत जहां दर्ज करा रहे हैं तो वहीं अपनी पूरी समस्या भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि अतीक और अशरफ के द्वारा जिस तरीके से तमाम जमीनों पर कब्जा किया गया, तमाम जमीनों को अपने नाम हथियाया गया, उन जमीनों को जिस तरीके से सरकार ने पहले चिन्हित किया, उस पर बुलडोजर चलवाया, उसको सीजिंग की कार्रवाई करवाई, तो वहीं अब माना जा रहा है कि उस पीड़ित परिवारों को ये जमीनें उपलब्ध जो है दी जाएंगी, जिसको लेकर सरकार जल्द ही जहां मंथन कर रही है तो माना जा रहा है कि आयोग का गठन करेगी। आयोग के गठन के बाद उस पीड़ित परिवारों को जमीनों को उपलब्ध करा दिया जाए, जो पीड़ित परिवारों की जमीन इन्होंने कब्जा की या औने पौने दाम में खरीद ली या यह कहा जाए कि इस पर अवैध कब्जा कर लिया, इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने ये इस पर जो है मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। जी लालचंद, कब तक इस आयोग का गठन किया जाएगा और अगर जमीनों की बात की जाए तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ये जमीनें अतीक और अशरफ के द्वारा हत्या गई थी या फिर प्रयागराज के इलाके की ये बात की जा रही है? देखिए, अतीक और अशरफ जिस तरीके से एक माफिया है और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई और जिस तरीके से देखने में मिला था कि पहले इनका एक गैंग चलता था, उस गैंग के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का काम करते थे, लोगों की जमीनों पर जो है अवैध निर्माण करते थे, लोगों की जमीनों पर जो है फिरौती मांगते थे जो है कब्जा करके, तो जाहिर सी बात है इन तमाम फर्जी दस्तावेज बनाकर जो है जमीनों को कब्जा किया, इन सभी जमीनों को कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से अब कब्जे में लेकर आयोग का गठन करेगी, इस पर मंथन भी चल रहा है और माना जा रहा है कि प्रयागराज में ही नहीं राजधानी लखनऊ सहित तमाम और शहरों में भी अतीक और अशरफ की जमीनें हैं जिस पर अवैध कब्जा था, जिसको सरकार ने चिन्हित करके उसकी सीलिंग की कार्रवाई की, वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई। और यह माना जा रहा है कि प्रयागराज ही नहीं तमाम और जो शहर है, क्योंकि लखनऊ में भी अतीक अहमद की तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित करके जो है सीज किया गया और यह माना जा रहा है कि अब उन जमीनों को उन पीड़ितों को दिया जाएगा जिनकी जमीनें हैं। और यह जिस तरीके से सरकार इस पर मंथन कर रही है, जल्द ही जो है आयोग का गठन करके उन पीड़ितों को जो बड़ी संख्या में अब पीड़ित निकल के सामने आ रहे हैं कि अतीक अहमद जो था वो जमीन पर कब्जा किया था, उन जमीनों को जो है उन्हें पौने दाम में खरीद लिया था या जबरन जो है उसने जमीनों को लिखवा लिया था, उस पर कहीं ना कहीं अब सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब अतीक और अशरफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका खात्मा हुआ है, उनकी गैंग का खात्मा हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार अब उस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है जल्द ही जो पीड़ित परिवार है उनके आयोग के गठन के बाद उनको जमीनें उपलब्ध कराना सरकार शुरू कर देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।